हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोस। दोस्तों, शाहरुख खान ने एक और बड़ा सरप्राइज दे दिया है फैंस को आज, जिसे सुनने और देखने के बाद फैंस खुशी से झूमने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, जिन्होंने लंबे समय से एक्टिंग की दुनिया से दूरी बनाई हुई है, वो बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कुछ समय पहले ही शाहरुख खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म पठान का टीजर रिलीज कर उसकी रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की थी। अब देखा जाए तो एक और अपनी नई फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है शाहरुख खान ने। उनकी ये फिल्म राजकुमार हिरानी के साथ आने वाली है। शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर अपनी नई फिल्म डंकी का ऐलान कर दिया है। शाहरुख खान ने ट्वीट के साथ एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो राजकुमार हिरानी से फिल्म के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान ने लिखा, डियर राजकुमार हिरानी सर, आप तो मेरे सेंटा क्लॉज निकले। आप शुरू करो, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, बल्कि मैं तो सेट पर ही रहने लगूंगा। आखिरकार आपके साथ काम करने को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। आप सभी के लिए 22 दिसंबर 2023 को डंकी लेकर आ रहा हूं। बात करें वीडियो की, तो वीडियो में शाहरुख खान राजकुमार हिरानी की फिल्मों के पोस्टर्स देख रहे हैं और कहते हैं, वाओ क्या फिल्में हैं। उसके बाद राजकुमार हिरानी आकर कहते हैं कि क्या देख रहे हो शाहरुख। शाहरुख कहते हैं, कुछ नहीं सर, रणबीर कपूर की संजू में आमिर को पीके की तरह, संजू जैसा मुन्ना भाई। वाओ सर, कमाल है सर, मेरे लिए भी ऐसा कुछ है क्या। इस पर राजकुमार कहते हैं कि एक स्क्रिप्ट है मेरे पास। शाहरुख स्क्रिप्ट के बारे में पूछते हुए कहते हैं, सच्ची कॉमेडी है, इमोशन है, रोमांस है। इस पर राजकुमार कहते हैं कि अपने सिग्नेचर पोज को रहने ही दीजिए। उसके बाद वो राजकुमार हिरानी से फिल्म का टाइटल पूछते हैं, तो वो बताते हैं डंकी। शाहरुख खान को वो डोंकी समझ में आता है। उसके बाद शाहरुख खान कहते हैं डंकी, और वीडियो के एंड में अनाउंस होता है फिल्म की रिलीज डे, कि ये फिल्म कब रिलीज होने वाली है फाइनली। दोस्तों, इस फिल्म का बहुत ही बेसब्री से फैंस को इंतजार है। सभी चाह रहे थे कि फिल्म की अनाउंसमेंट हो, और फाइनली वो दिन भी आ गया। आपको कैसा लगा ये टीजर, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।